हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं भरवे करेले की सब्ज़ी। बहुत सारे लोग इसे खाना पसंद नहीं करते क्योंकि करेले बहुत ही कड़वे होते हैं। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ कि इस तरीके से जो आप सब्ज़ी बनाओगे तो आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी। तो दोस्तों, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये भरवे करेले की सब्ज़ी बनाने का। तो चलिए दोस्तों, अब हम रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने ये 400 ग्राम करेले लिए हैं। ये मैंने छोटे वाले लिए हैं, आप चाहे तो बड़े वाले करेले भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। तो इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं। इस तरीके से देखो, मैंने सारे करेले वॉश कर लिए हैं। देखिए, बहुत ही अच्छे हैं करेले। तो अब हम इसे ये आगे का भाग निकाल लेते हैं और ये भाग भी हम निकाल लेंगे और इसके छिलके उतार लेंगे इस तरीके से। सारे करेले को दोस्तों हम इस तरीके से छील के निकाल लेंगे। ये देखिए दोस्तों, छिलके निकाल लिए हैं मैंने। तो अब हम बीच में से एक कट करेंगे और अंदर से सारे बीज हम निकाल लेंगे क्योंकि बीज निकालने के बाद करेले कड़वे नहीं लगते, उसका कड़वापन बिल्कुल ही निकल जाता है। ये देखिए, मैंने सारे बीज निकाल लिए हैं। सारे करेले को हम ऐसे ही बीज निकाल लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, सारे करेले को मैंने बीज निकाल लिए हैं और छिलके भी उतार लिए हैं। तो अब हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे इस तरीके से। देखो, सारे करेले को हम इसे नमक वाले कर देंगे। तो ये मैंने नमक वाले कर लिए हैं। तो अब हमें करेले को बॉईल करना है। इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे और 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। और ढक्कन लगाकर हम इसे बॉईल होने के लिए रख देंगे। 2-3 सीटी लगाएंगे। तो चलिए दोस्तों, करेले हमारे बॉईल होते हैं तब तक हम करेले का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये है मूंगफली के दाने, इसे हम मिक्सर में क्रश कर लेंगे। और 2 हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ, इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। तो पहले हम बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे हरी मिर्च को और इस तरीके से हम कद्दूकस करेंगे। ये देखिए दोस्तों, कद्दूकस हो गया है और मूंगफली के दाने भी क्रश हो गए हैं। तो चलिए, करेले हमारे बॉईल हो गए हैं। तो चलिए, इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ये मूंगफली के दाने ऐड किए हैं मैंने, अब कद्दूकस किया हुआ हरी मिर्च और लहसुन की कलियाँ ऐड की, 2 छोटे चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/2 छोटे चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटे चम्मच नमक, 3 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। दो छोटे चम्मच हम शुगर ऐड करेंगे और हरा धनिया ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और इस मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो
देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें मसालों को मिक्स करना है। तो ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। तो चले अब करेले को चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, करेला हमारा बिल्कुल बॉयल हो गया है। ये देखिए, तो मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इस करेले में थोड़ा थोड़ा मसाला भर के हम तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम सारे करेले को भर के तैयार कर लेते हैं और ये बचे हुए मसालों को हम करेले के साथ ही मिक्स कर लेते हैं। सारा मसाला मैंने ले लिया है। तो अब हम एक टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। अब 1 मिनट तक हम ऐसे ऐसे ही पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो दोस्तों अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी लगेगी सब्ज़ी। तो अब हम ढक्कन लगाकर 1-2 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रखेंगे। दोस्तों 1-2 मिनट हो गई है, चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बनी है सब्ज़ी, आपको बहुत ही पसंद आएगी, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो दोस्तों ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली नई रेसिपी भी आपको देखने को मिले। तो अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और हरा धनिया ऐड कर देते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।